फर्स्ट डे ऑफ माई लद्दाख ट्रिप हमने क्रॉस किया अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर, और श्रीनगर क्रॉस करते ही पूरा वेदर बदल गया। हमारे ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी चलाई बिकॉज हमें 3 बजे से पहले जोरजीला पास क्रॉस करना था। फॉर्चुनेटली हमने जोरजीला पास 3 बजे से पहले क्रॉस कर लिया, और नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कि बिल्ड किया है इंडियन आर्मी ने इन द मेमोरी ऑफ 1999 कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दंजल, एंड मैं रुकी हूँ। हम कहाँ रुके रमन? ओके, रॉयल प्लाजा के साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ न्यू जर्नी। सो बेसिकली हमारी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ कश्मीर से हुई, श्रीनगर में, एंड वी आर लिविंग दिस प्लेस विद। सो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो एक्सपेडिशन के साथ, और हमारे साथ है, मैं नीचे मेंशन करूँगा इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक कंपनी का, और नीचे भी लिखा हुआ है, यू कैन सी द नेम। तो हमारे साथ है हमारे ड्राइवर भैया। आपका नाम क्या है? मुक्ताजा। कहाँ से आप? मैं करगिल से। फाइनली 3 बजे से पहले, इट्स ऑल 3:10 पहले हम क्रॉस करते हुए जोरजीला पास, इट्स नॉट गोरजीला, इट्स जोरजीला पास, विद द ऑल्टीट्यूड ऑफ, यहाँ से ले 365 किलोमीटर है, 11649। इसको आपको 3 बजे के पहले ऑलमोस्ट क्रॉस करना पड़ता है। तुम पहले दिख जाओ कैमरे पे मेरे। वन पे आपको देखने को मिल सकती है सुंदर सुंदर वैली, तो अपने यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोस लेना ना भूलें। हम कारगिल की तरफ जब एंटर कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ एंट्री करनी होती है। एक्चुअली में हर व्हीकल की एंट्री होती है, और यहाँ पे डबल एंट्री होती है कि यहाँ पे पुलिस वाले अंकल खड़े होते हैं, या जैसे तो मिलिट्री अंकल खड़े होते हैं, और उसके अलावा हमारे यहाँ पे सामने कारगिल और ले दोनों जगह एंट्रियाँ हो रही है। फाइनली रीचिंग टू वॉर मेमोरियल कारगिल, द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द डे। सो गाइस, वो है कोई टाइगर हिल, राइनो हिल, और बत्रा बॉर्डर है उसके आगे। राइट जाके नहीं है, देखिए रहा सामने, हाँ, वो सामने वाला ना, वो वाला वाला ये जो नहीं, ये जो चोटी है, जो चोटियाँ हैं, जो है जो 3 चोटियाँ दिख रही हैं, ये 3 चोटियाँ हैं, और इसके 9 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। सो वी आर वेरी वेरी नियर टू बॉर्डर, और हम जस्ट 150 किलोमीटर अवे हैं टुक टुक विलेज से। और उसके अलावा ये मेमोरियल नियर बाय 1999 में वो हुआ है इस्टेब्लिश। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ आके, अगर आप कारगिल आ रहे हो तो जान सकते हो। बॉर्डर किस चीज़ का है? इस तरफ वीर भूमि सामने जहाँ पे। सो फाइनली रीचिंग अपना स्टे कारगिल पे, हम अभी उतरे हैं गाड़ी से। आई एम एक्चुअली वेरी 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 एक्सॉस्टेड टुडे। हाय भैया रमन, तुम इतना सामान क्यों लाते हो? ये क्या है? कुछ भी। हाँ, रूम तो अच्छा है हमारा, खैर हमारे रूम का व्यू भी अच्छा है। इट्स मतलब इट्स लुक लाइक स्पीति ना। वेल दिस इज अ डे टू इन कारगिल, हम कल रात पहुंचे थे। अच्छा तुम आ गए कैमरा पीछे। सो गाइस, डे टू इन कारगिल, हम कल रात को पहुंचे थे, और हमें बता चुके हो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। हाँ नहीं है। So what we have in nashta is parathe. This is white chole, bread please, और ये साउथ इंडियन डिश है, फटाफट खाते हैं। एक्सट्रीमली लेट है, ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं। वी डोंट वॉन्ट कि हम ऑल लेट हों, क्योंकि आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। पर करने का हमने कुछ ऐसा कवर नहीं करा है, आज आप मुझे हर नज़ारे में अच्छे से रोकोगे। तो हम चलते हुए आज कारगिल से ले की तरफ, और हम पहुंच जाएंगे कुछ 5 से 6 घंटे में, हम आज फिर से 200 किलोमीटर तय करने वाले हैं। फैक्ट है, ये जो रिवर है ना, ये पाकिस्तान फ्लो होती है, पाकिस्तान से पूरा घूमती है, फिर वापस इंडिया आती है, फिर ये रोटेट होती है। I thought I had it figured out, believed in us, we were meant to be, no doubt, a teenage love, everybody else could see, the way we were, living in a fantasy, when I kiss her, I don't
एक डेस्टिनेशन पहुँचते हुए. दिस इज चंबा एंड ये कुछ पड़ता है कारगिल से हाफ एन आवर दूर लगभग. सो यहाँ पे आए हुए बहुत सारे लोग, आई गेस ये बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्री है. सो गाइस आपको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं आप रास्ते में अगर ट्रैवल कर रहे हो, इनको मत मिस करना. अभी हम लेह की तरफ जा रहे हैं. भैया ड्राइवर भैया को रिक्वेस्ट करें कि रोक रोक के गाड़ी चला लो. वह हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, हमें घूर के भी देख रहे हैं गुस्से में. ले रही काला, इसका ऑल्टीट्यूड है कुछ 12,198 फीट का. तो ये पड़ जाए पास. अभी आज हम मैं आई हूँ श्रीनगर से. कल मतलब मैंने चोचला पार्क क्रॉस किया, मैं टाइगर हिल देखा, मैं द्रास गई, द्रास के बाद मैं कारगिल रुकी, कारगिल के बाद अभी मैं यहाँ पर हूँ नामकला पास. अब नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा गुरुद्वारा आएगा, पर उससे पहले हमारा ये टॉप भी आएगा. मूनलैंड यहाँ की बहुत अच्छी लोकेशंस में से काउंट होती है और लोग यहाँ पे पता है दूर दूर से ट्रैक करके शूट करने जाते हैं. एक हम हैं, हम गाड़ियों से नज़ारे ले रहे हैं बस, और हम सोच रहे हैं थोड़ा आगे तक जाएं जहाँ तक हमें व्यू बेटर मिल सके. तो मूनलैंड जो है आपको लद्दाख के रास्ते में दिख सकता है, कुछ इस तरह का दिखेगा, इसको मिस मत करना. वी स्टॉप एट पंजाबी ढाबा, वी आर इन खालिस्ती राइट नाउ एंड यहाँ पे दो चपातीस, एक पापड़, थोड़ी सी सैलेड जिसमें से मैं खीरा खा गई, चावल, ये 300 रुपीज़ की थाली है, ये मिक्स वेज, ये दाल मखनी, ये पनीर, और ये 300 रुपीज़ की जो थाली यहाँ पे वर्थ करती है दो जनों के लिए. सो लेट्स हैव इट. बहुत भूख लगे, सुबह से कुछ ढंग से नहीं खाया. सो गाइस ये नज़ारा है संगम रिवर का, जहाँ हम संगम देखने आए हैं, बट यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है. हम बॉर्डर पे नहीं है गाइस, हम जंगल के नहीं आए हैं. कैसा चल रहा है? मस्त. हाउ इज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम ना? फर्स्ट टाइम ही है. क्या नाम है आपका? रोशन. मस्त, एकदम मस्त. अभी तक मतलब अकेला अच्छा लग रहा है इनके साथ? दोनों भी अलग एक्सपीरियंस. सो गाइस ये यहाँ का क्या वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है, तो जंस्का रिवर से राफ्टिंग होती है ये. सो गाइस हमने गाड़ी यहाँ पे मैग्नेटिक हिल पर पहुंचे, न्यूट्रल पर रखकर अपने आप गाड़ी पीछे जा रही है. ट्रस्ट मी ये न्यूट्रल पर मैं आपको उतर के दिखाती हूँ. वन गो भैया. सो हमारी गाड़ी है न्यूट्रल पे और भैया ने बिल्कुल बिल्कुल उससे पैर छोड़े हुए और ये गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है. सो मैग्नेटिक हिल की एक खासियत है. तो गाइस आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं सिर्फ इस मैजिक को देखने के लिए. और मैग्नेटिक हिल्स के पास गाड़ी क्यों जो आती है ये अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ. इसका मतलब यहाँ पे सब ट्राई करते हैं ये चीज़, ट्रक स्पेस मांग रहा है और यहाँ गाड़ियाँ बीच में खड़ी हैं ऑलमोस्ट सारी ये ट्राई करने के लिए, स्पेशल एक्सपेरिमेंट एंड ऑल. सो इवन इफ़ यू वॉन्ट टू डू एक्टिविटीज़ सो दे हैव बम्पिंग कार्स हियर जिसमें आप मैग्नेटिक हिल पर ड्राइव कर सकते हो. सो गाइस पहुंचते हुए हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर जो कि बहुत फेमस है और ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब. कहा जाता है गुरु नानक देव जी की कहानी में कि उनकी यहाँ पे पीठ की निशानी है. सो लेट्स गो इनसाइड, दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर. Finally reaching to Leh and we are going to stay in this beautiful property. अभी मैं अंदर चल के इसका नाम बताती हूँ आपको. बहुत सारा सामान है, सारा हमारा नहीं है, हमारे साथ बाइकर्स भी है उनका है. शुक्रिया. नाम क्या है आपकी प्रॉपर्टी का? गावा रिट्रीट. रीट सो हमारे साथ बाइकर्स भी हैं, उनकी भी है, हमारे पास लगेज है. दिस लुक एक्चुअली ब्यूटिफुल राइट. सो हम वॉक करते करते होटल से आए फटाफट से एंड वी एंडेड अप टू दिस मार्केट. दिस इज द लेकी. ये कौन सी मार्केट है? ये तरु मार्केट. तरु मार्केट एंड हमने इस ब्यूटीफुल लेडी से लिए ये दिखाना. दिस इज फॉर अलमीरा टैग्स एंड यू कैन बाय सो मेनी थिंग्स आर देयर. इवन देयर आर मास्क आल्सो, तिब्बतन बॉल्स, बेल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. सो फाइनली रीचिंग टू लेह मार्केट एंड ओवर पॉपुलेटेड है आज ये. बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सारे लोग हैं. मार्केट हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट. 10 मिनट भी ज़्यादा, शायद 7-8 मिनट. बहुत पास है.
I am here today. Tomorrow I'm going to Nobra. Day after tomorrow, Pangong. Then last day, then I'm going to come again for coffee. Most probably, if I will have time, because this time I'm with the group. Okay, you're with the group. Yes. So here you can find the best coffee at Play Market. So then going back. Yes. And this is the Lake Cafe, guys. Hunch.